नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, डेरा सच्चा सौदा के बारे में उनका क्या मानना है, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, जानते हैं लोगों से सीधी बात। महिलाओं की असुरक्षा कितनी है, महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर वो कितनी सुरक्षित है। साथ ही फंड डॉक्टर गुरमीत राम मेन सिंह जी, इंसा का जो चरित्र है वो कैसा है, जानते हैं लोगों से। नमस्कार मैम, क्या नाम है? बल्ला इंसा। मैम डेरे से जुड़े 20 साल 25 साल हो गए होंगे। मैम 25 साल आपको डेरे से जुड़े हुए, कैसा माहौल देखा? बहुत अच्छा। गुरुजी पे विश्वास है पूरा? क्या कारण है? बहुत अच्छा है गुरुजी। क्या कारण है इतने विश्वास होने का? उनका कारण बहुत मन मिली है शक्ति, बहुत अच्छा लगा मन। मैम आप कहते हो कि गुरुजी पे इतना विश्वास है, मगर गुरुजी पे जो लगे आरोप हैं उनके बारे में क्या? ये सब झूठा है, झूठ बोल रहे हैं लोग, सब झूठे। गुरुजी के बारे में मीडिया चैनलों पर इतना कुछ दिखाया गया, ये झूठा सब झूठा। मेरे गुरुजी ना, हमारे गुरुजी सच्चे हैं। मैम आरोप क्यों लगाया गया? झूठे, सब झूठ बोल रहे। मैम महिलाएं जो डेरा जाती हैं क्या लगता है कितनी सुरक्षित है? ये तो बहुत अच्छा है, डेरा तो कुछ ही नहीं है, उन्हें तो डेरा में तो सुरक्षित है। हाँ आप सुरक्षित हो यहाँ? हाँ। पर मैम गुरुजी ने समाज के लिए कुछ कार्य करे हैं? बहुत करे हैं, अनेक की भलाई के, शादी करवावे, बीमारी का सब कुछ पिताजी करवाए हमारे। मैम समाज को आज गुरुजी की जरूरत है? हाँ जरूरत है, बहुत ज्यादा। कितनी जरूरत? बहुत ज्यादा, हमने तो याद आवा हमारे गुरुजी की जनार दिया जाए। मैम आप कहते हो कि समाज को आज गुरुजी की जरूरत है, मगर वहीं मीडिया चैनलों पर इतनी गंदगी दिखाई गई ये है। सब गंदगी दिखावे, कोई नहीं है ऐसा। मैम वैश्यावर्ती में जो लिप्त लड़कियां हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने अच्छा काम किया। उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा? उसे प्रेम प्यार से नामदान दे के जोड़े। तो मैम वो नामदान दे के कहाँ पर रखा गुरुजी ने? यहीं, यहाँ पे सुरक्षित है वो? हाँ सुरक्षित है। तो सम्मान की जिंदगी मिल रही है यहाँ? हाँ, पे बहुत अच्छी जिंदगी मिल रही है। मैम समाज को आज गुरुजी की जरूरत है? हाँ बहुत ज्यादा। क्यों जरूरत? नशाई तो फैल गई, बीमारियाँ फैल गई, सब कुछ फैल गया। सरकार से क्या अपील करूँ? हमें तो हमारा गुरुजी चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अंतिम क्वेश्चन ये है कि आज समाज को सजा मिली है या फिर एक संत को सजा मिली है, क्या लगता है? समाज गंदी है, हमारे संत तो सच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आप देख सकते हो कि इनका कहना है कि आज गुरुजी समाज में होते तो कितना नशा छूट जाता, और गुरुजी समाज में होते तो कितने जो लड़कियों की सेफ्टी है वो ये लगातार बयान करते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा यहाँ पे इतनी है। तो आज हम लोगों को जो सुरक्षा है, लड़कियों की जो हालत है, गुरुजी उसको क्यों सुरक्षा नहीं दे सकते थे? 3 साल से सत्संग रुके हुए हैं, बुराइयां नहीं छूट रही हैं हमारे देश में, समाज में जो लड़कियों पे अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा जैसे संत की समाज को आखिर कितनी जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद।